नमस्कार, आज मैं आपके लिए ये फ्रिल वाली बाजू है जिसमें हल्की हल्की सी डिज़ाइनिंग भी की हुई है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो आइए हम सीखते हैं। इसके लिए मैंने बाजू को पहले कटिंग कर लिया है। तो बाजू की जो लंबाई है मेरे पास वो हमारी 11 इंच है, 11.5 इंच है। और इसका जो नीचे का मोहरी है वो हमें 5 इंच चाहिए, तो मैंने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखी है, 6 इंच रखी है। और नीचे का जो हमने इसमें फ्रिल लगानी है वो मैंने कपड़ा जो है वो 5 इंच का रखा है, और ये फोल्ड करके और ऊपर जॉइंट करके 3.5 या 4 इंच का रह जाएगा। तो इसमें लंबाई जो है वो 5 इंच की थी, तो चौड़ाई इसमें 12 इंच की ली है। मोहरी हमने टोटल 6 इंच की ली है और उसमें डबल हमने फ्रिल का कपड़ा लिया है। अब हमने 2x2 इंच के दो रंग के ये कपड़े लिए हुए हैं इस तरह से। तो इनको हम इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, एक बार फोल्ड किया, दूसरी बार फोल्ड किया। अब हम दूसरी कलर का कपड़ा भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखकर हाफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से एक तरफ से फ़ोल्ड किया, दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर दिया। तो ये हमारा अच्छा सा एक डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। तो ये हम पहले इनको रेडी कर लेते हैं। ये हमने पहले रेडी कर लेने हैं, बाद में हमने बाजू पे लगाने हैं। तो इनको तैयार कर लेते हैं। ये हमने तैयार कर लिए हैं और अब हमने हमारा जो फ्रिल वाला कपड़ा है उसको भी एक साइड से हम बिल्कुल छोटा छोटा सा फोल्ड कर देंगे। इस तरह से एक तरफ से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इस कपड़े का जो सीधी साइड है उस साइड से रखेंगे इसको, और हम जो बॉक्स प्लीट होती हैं इस तरह से एक तरफ को मोड़ेंगे और दूसरी साइड को, इनके फेस जो होते हैं वो अपोजिट साइड होता है। तो ये बॉक्स प्लीट बनाकर हम इसके बीच में जो डिज़ाइनिंग वाला बनाया था हमने ट्राइंगल, वो हम लगा देंगे इस तरह से। अब इनको हमने सेट करते हुए चले जाना है। इस तरह से हम इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इनको अच्छे से बनाकर बाद में हम इनको प्रेस कर लेंगे, जो बॉक्स प्लीट हैं वो वैसी की वैसी ही बनी रहे। इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लेना है। ये प्रेस करने के बाद हमारा इस तरह से दिख जाएगा। अब हमने जो बाजू का मोहरी है वो लेनी है और उसको हमने इनके ऊपर इस तरह से अटैच कर देना है फ्रिल के ऊपर। इस तरह से ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी जो फ्रिल है वो इस तरह से नज़र आएगी। इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम बाजू की जो फिटिंग है वो लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और बाजू की फिटिंग हम यहाँ से लगा देंगे। ये बाजू हमारी बनकर तैयार है। जो इस तरह से हमारी दिखेगी, या आप फुल स्लीव पे भी बना सकते हो और 3/4 पे भी बना सकते हो। थैंक यू।